बढ़ते हैं खबरों की ओर। सागर धनखड़ हत्या मामला अभी शांत नहीं हुआ है, वहीं दो पहलवानों के बीच झगड़े का एक और मामला सामने आया। आरोप है कि जूनियर पहलवान पर सीनियर पहलवान ने हमला किया और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। नजफगढ़ इलाके में गुरु भगत स्वरूप अखाड़े में दो पहलवानों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीनियर पहलवान चंद्र प्रकाश ने जूनियर पहलवान को पानी लाने के लिए कहा, जिस पर आशीष ने कहा कि वो प्रैक्टिस कर रहा है इसलिए पानी नहीं ला सकता। आरोप है कि जूनियर पहलवान पर सीनियर पहलवान ने हमला किया और उसकी जमकर पिटाई भी की। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना गुरु भगत स्वरूप अखाड़े की है, जहाँ उत्तर प्रदेश के रहने वाले आशीष अपने दो भाई के साथ कुश्ती सीख रहे हैं। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार 3 जुलाई को जब वो प्रैक्टिस कर रहा था, पानी लाने की बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। आरोप है कि बहस के बीच चंद्र प्रकाश ने आशीष की पिटाई कर दी। जब भीड़ जमा हो गई तो दोनों को अलग किया गया। आरोपी पहलवान पर आरोप है कि उसने जूनियर पहलवान आशीष को जान से मारने की धमकी भी दी और बाद में देख लेने की धमकी देकर चला गया। नजफगढ़ पुलिस मामले की शिकायत पर अब आगे की कार्रवाई कर रहा है। इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।